आचार संहिता का उल्लंघन, सीधी सांसद के कॉलेज में भारी मात्रा में मिले घड़ी और कंबल, प्रशासन ने किया सीज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सीधे जिले में चुनाव अब सर चढ़कर बोल रहा है। जहां चुनाव का समय आते ही वोटर्स को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, उसी के तहत भाजपा की सीधी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सीधी सांसद रीति पाठक के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि वाली एक घड़ी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है, जिसके बाद रविवार सोमवार की दरमियानी रात आर्य पैरा मेडिकल कॉलेज से काफी भारी मात्रा में घड़ी जब्त की गई है। बता दें कि जैसे ही घड़ी के बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट विनोद वर्मा को जानकारी लगी, उन्होंने तुरंत तहसीलदार एसडीएम सहित कलेक्टर से इसकी शिकायत की, जहां शिकायत के उपरांत जांच किया गया और जांच में पाया गया कि आर्य पैरा मेडिकल कॉलेज में भारी मात्रा में घड़ी और कंबल बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर आर्य पैरा मेडिकल कॉलेज को सील कर दिया गया है। साथ ही वहां रखी हुई सामग्री को जब्त कर लिया है और विधानसभा चुनाव निर्वाचन में आचार संहिता का उल्लंघन होने का मामला भी दर्ज किया गया है। नायब तहसीलदार तीरथ प्रसाद अक्षरिया ने जानकारी देते हुए बताया, लगभग रात में 1 बजे जब्त की गई है और कार्यवाही अभी भी जारी है। वहीं जानकारी आने के बाद अब कांग्रेस इस पर हमलावर हो गई है, जहां पर कांग्रेस नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि भाजपा लगातार वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रही है और प्रशासन इस पर कोई भी बड़ी कार्यवाही नहीं कर पा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।